तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्याम ब्लॉग्स। तो आज मैं जाने वाला हूँ बैंक। बैंक में मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम है, वो मैं आपको अभी जब बताऊँ। ये जैसे कि आप मेरा हाथ में देख सकते हैं 500 का नोट। तो क्या हुआ था, एक मेरे को कहीं से पैसा मिलना था, तो उसने मेरे को पैसा दिया था। तो वो आदमी जिससे मैंने पैसा लिया, वो भरोसा वाला आदमी था। तो मेरे को यहाँ से लेकिन थोड़ा सा ये फटा वाला नोट मिल गया। तो उसने मेरे को जब 20-25 हज़ार रुपये दिया था, तो एक नोट ऐसा करके निकल गया यहाँ से फटा हुआ। तो फिर मैंने वो आदमी को कॉन्टेक्ट किया कि बोला कि मैंने तो चेक नहीं किया था जब आपने दिया था, तो ये नोट यहाँ से थोड़ा फटा है। तो फिर उसने बोला होगा मैं घुरा दूंगा, या फिर अगर तुम्हारा बैंक में जाओ, बैंक में जाके उन लोग एक्सेप्ट कर लेते। तो जैसे कि वो आदमी का थोड़ा घर उर थोड़ा दूर है, तो फिर मैं सोचा कि उसको इतना तकलीफ दूँ, तो मैं जाके खुद बैंक में जाके एक बार ट्राई मार के आता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ कि मतलब ये बैंक में डिपॉजिट होता है कि नहीं। तो इसलिए मैं आज जा रहा हूँ बैंक ये डिपॉजिट करने, या फिर एक्सचेंज होने से भी बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। दोनों में से कुछ भी हो, एक्सचेंज या डिपॉजिट, तो मेरे लिए चल जाएगा। तो आज हम जाते हैं बैंक, वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम थोड़ा निकलने से पहले अपना लंच कर लेते हैं, जो कि रेडी हो रहा है। सो वो लंच वंच कर लेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे बैंक के लिए। तो खाना भी जरूरी है, क्योंकि एक ऑलरेडी बच चुका है, जो कि हम लोग का लंच टाइम है और बैंक का लंच टाइम मुझे नहीं मालूम। तो हम उसको खाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और वो 500 रुपया देखता है उसका क्या होगा। सो गाइस, ये है हमारा आज लंच। इसको बोलता है चीका, इंग्लिश में शायद इसको बोल सकते हैं आप स्नैक गॉड। और ये पता नहीं क्या है, क्या बोलते इसको, ये पता नहीं कुछ है, मैडम जी ने तैयार किया है, मेरे को भी पता नहीं। मिर्ची उर्ची शायद इसका कुछ चटनी उटनी बनाएगा, शायद चटनी उटनी बनाएगा। और चावल तो हमारा ये कुकर में रेडी है। अभी जो चटनी है झीका का, थोड़ा यहाँ से हम लोग ले लेके प्याज व्याज के साथ हम थोड़ा इसको अभी चटनी बना रहे, कूट रहे है, क्योंकि हमारे पास मिक्सर विक्सर नहीं है। तो हमने एक कूटने वाला सामान लिया है और उसका इसमें कूट रहे है। आज फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा ये झीका का चटनी। सो दोस्तों, अभी हम लोग का ये रेडी हो चुका है। जैसे कि ये है, देखिए लंच में आज हमारा झीका, और उसके बाद ये थोड़ा मूला का साग, और ये जो आज हम नया आइटम ट्राई करने वाले हैं, भगवान का नाम लेके मालूम नहीं कैसा होगा। ये झीका का चटनी बोल सकते हैं आप, झीका का छिलका का चटनी। और ये चावल हमारा प्लेटिंग उटिंग सब रेडी हो चुके हैं, अभी इसको खा के फिर हम अपने निकलेंगे काम के लिए। पहले हम ये झीका ले लेते हैं यहाँ पे, जो बनाया है मैडम जी ने, मालूम नहीं कैसा हुआ होगा, जब भी बनाता है तो चंडाल जैसा ही बनाता है। और उसके बाद ये थोड़ा सा मूला साग, और थोड़ा सा मूला साग को इधर साइड कर देते हैं। और द फर्स्ट टाइम एवर आई एम ट्राइंग दिस झीका का चटनी, चटनी लुक एट दिस। सो अभी इसको थोड़ा डालते हैं और अभी हम इसको खाना शुरू करते हैं, ऐसे मलते हैं। और फर्स्ट बाइट, झीका का साथ तो अच्छा ही लगा, अभी मूला का साग का साथ ट्राई करता हूं। और खाने लेता हूं, ये भी अच्छा ही है। अभी ये चटनी ट्राई करता हूँ भगवान का नाम लेके, हे भगवान, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। इतना भी खराब नहीं है, लेकिन स्पाइसी बहुत है, बहुत अच्छा है। इतना टेस्ट जितना मैं सोचा था कैसा होगा, लेकिन टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन स्पाइसी बहुत है। सो हेलो गाइस, हमारा खाना होना खा के हो चुका है, पेट भी भरती हो चुका है। जो आज मैंने फर्स्ट टाइम झीका का चटनी ट्राई किया, वो एकदम मस्त बना था। हाँ, थोड़ा स्पाइसी था, लेकिन मैडम जी ने बहुत अच्छा बनाया था, और बाकी जो सब्जी उब्जी भी था बहुत बढ़िया बना था। तो अभी जो हमारा बैंक का काम है, हम उसके लिए जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा नोट एक्सचेंज हो चुका है बैंक में, तो अभी वही 500 रुपये लेके हम जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं मूवी देख के वापस रूम में आऊंगा, मैं बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है।
नोट एक्सचेंज करने का, तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो अभी हम सिनेमा हॉल में पहुंच चुके हैं, अभी मैं यहाँ से टिकट लूँगा, 5 बजे का शो है, फिर देखते हैं ब्रह्मास्त्र। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं जॉली मैक्स सिनेमा, जो कि है बोगाईगांव में, लेकिन आज इतना आदमी नहीं है तो शो कैंसिल होने वाला था, लेकिन अभी लास्ट में आके हम लोग ने किया, तो 15 जन होना चाहिए मिनिमम, तो 15 जन है। मेरे को लगा नहीं था कि हॉल इतना खाली रहेगा, तो शो कैंसिल होने का भी चांस था, तो वही बात है, देखते आगे क्या होता है। तो अभी हम रुका हुआ है, शो तो होगा बोला है अभी, तो देखते हैं क्या होता है। पॉपकॉर्न सबको हमने ले लिया है, पानी बोतल पॉपकॉर्न, ज़्यादा भीड़ नहीं है, आदमी बस थोड़ा ही आदमी है, देखते हैं क्या होता है, फिल्म कैसा होगा वो देख के ही पता चलेगा। सो अभी हम जाते हैं हॉल के और ऑडी 1 है कि ऑडी 2 है, हम तो भूल ही गया, पता नहीं। परम शक्तिशाली सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र। सो गाइस अभी हम रास्ता देख के वापस जा रहे हैं, मूवी ठीक ही था लेकिन आदमी ज़्यादा नहीं था, तो जो 500 रुपया जो बैंक से एक्सचेंज करके आया था उसका हमने फुल मज़ा ले लिया है, तो अभी रूम जाते हैं। सभी ब्रह्मास्त्र देख के हम आ चुके हैं, फिल्म लगभग थोड़ा सही था, इतना भी खास नहीं था लेकिन मेरे को सही लगा है, VFX सब अच्छा था। तो अभी हम अपने गली पहुंच चुके हैं, अभी हम रूम के अंदर जाएंगे और जो आज 500 रुपये हमने एक्सचेंज किया था उसका कम से कम मूवी वूवी देखने मिल गया, 500 रुपये का अच्छा यूज़ हो गया। तो अभी हम जाते हैं रूम में और मिलते हैं आपको, और मैं बताता हूँ कि उसका प्रोसेस क्या है 500 रुपया नोट का एक्सचेंज करने का, जो फटा हुआ नोट का एक्सचेंज करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने नोट एक्सचेंज कैसे किया और उसका प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मायापुरी बोगाईगांव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं गया, तो वहाँ पे जाके जब मैं काउंटर में मैंने पूछा कि मेरे को नोट एक्सचेंज करना है फटा हुआ नोट, तो मैंने फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पे एक लेडी है, तो काउंटर के सामने एक लेडी था, तो उनके पास जाने के लिए मेरे को बोला था, तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने बोला कि नोट दिखाओ बोल के, तो मैंने उन्हें नोट दिखाया, तो उन्होंने मेरा नोट चेक किया। तो चेक करने का पहला प्रोसेस यही होता है कि वो पहले देखते कि नोट ओरिजिनल है या फेक है, फिर दूसरा उन सीरियल नंबर देखते कि कोई सीरियल नंबर गायब साहब तो नहीं है, मतलब एक दो जैसे कि कुछ इरेज तो नहीं हो गया है, कभी कभी पानी से भीगने का कारण भी ऐसा ऐसा हो जाता है, फिर थर्ड उन्होंने देखा कि नोट कितना फटा हुआ है, तो उस हिसाब से मेरे को उन्होंने चेक करके फिर मेरे को फुल रिफंड किया। अगर नोट ज़्यादा फटा रहता है तो वो फुल रिफंड नहीं करते, वो आपको 50% ऑफ द अमाउंट आपको दे देते हैं। तो और उसके बाद उन्होंने और एक बात बोला कि मेरा ज़रूरत नहीं है कि मेरा कोई मतलब मेरा ही ब्रांच हो, या फिर जैसे कि मेरा ही ब्रांच हो और मेरा ही मतलब अकाउंट होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं, आपका अकाउंट नहीं भी होगा तो तभी भी आप अपने नियरेस्ट बैंक में जा सकते हैं नोट एक्सचेंज करने के लिए जो आपका फटा नोट है। तो यही इसी तरीक़ा से मैंने अपना नोट 500 का चेंज किया। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अभी के लिए तो मैं बाय बोलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।